देखो क्वेश्चन नंबर 16 है विविध प्रश्नावली का, y इक्वल टू है cos x अपॉन 1 प्लस sin x। देखो इसका डेफिनेशन करेंगे x के सापेक्ष में, क्या लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx cos x अपॉन 1 प्लस sin x, cos x अपॉन 1 प्लस sin x। देखो इसमें तो ये हम इसका अवकलन करेंगे, डिवाइड में फंक्शन है डिवाइड यूज करेंगे, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन माइनस नीचे वाला ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही नीचे वाला फंक्शन का अवकलन डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। कॉस का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स, माइनस का कॉस एक्स। देखो वन प्लस साइन एक्स का अपकलन क्या जाएगा, वन का जाएगा जीरो, साइन का जाएगा कॉस, क्या जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा बहुत बढ़िया, अब तो यहां पे इन दोनों में से माइनस कॉमन आएगा, माइनस पूरे में से कॉमन ले लो, माइनस पूरे में से कॉमन ले तो माइनस का कॉमन आएगा, तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आता है वन, इसको लिख सकते हैं वन, माइनस का वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, एक टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का वन बाय वन प्लस साइन एक्स। दिस इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अपॉन क्या साइन एक्स माइनस बाद नहीं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसको भी हम किसके बराबर मान लेते हैं वाई के बराबर, इसके बराबर वाई के बराबर। देखो क्या होता है इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy upon dx d upon dx sin x plus cos x divided by sin x minus cos x, sin x plus cos x divided by sin x minus cos x। देखो प्रोडक्ट यूज करेंगे, सॉरी डिवाइड यूज करेंगे, तो नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन, ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही नीचे वाले फंक्शन का अवकलन साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देखो साइन का अवकलन जाएगा कॉस और कॉस का अवकलन जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक नेक्स्ट माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखो साइन का अवकलन जाएगा कॉस और कॉस का अवकलन जाएगा साइन साइन। ठीक प्लस डिवाइडेड बाय क्या आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। देखो इसमें एक चीज देखो, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम क्या ले सकते हैं माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो इसको ले सकते हैं माइनस कॉमन ले लेंगे
देखो ये जो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं। अच्छा यहां से माइनस कॉमन आ रहा है, यहां से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जो प्लस जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करो माइनस का, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स। इसको इसमें भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इन टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वन, ये वन प्लस वन कितना जाएगा टू, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस का दो बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है आसानी है, अरे छोड़ ना पाल लिख लियो ना, नहीं खाने के लिए, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सुना, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है वाई बराबर मान लेते उसको sec x माइनस वन अपॉन sec x प्लस वन, तो देखो इसका अपकरण करना है, डिवाइड में फंक्शन है, इसमें डिवाइड में फंक्शन है ठीक ना, तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1 ठीक। देखो डिवाइड यूज करेंगे sec x प्लस बाद में दे sec x प्लस 1 sec x माइनस 1 माइनस sec x माइनस 1 डिफरेंशिएट ऑफ sec x प्लस 1 डिवाइडेड बाय sec x प्लस 1 का स्क्वायर। देखो sec x का फलन क्या होता है, sec x का फलन क्या होता है, sec x का फलन sec x tan x कहते हैं, sec x tan x, तो ये sec x प्लस 1 इंटू sec x इंटू tan x माइनस sec x माइनस 1, ये जगह फिर से sec x इंटू tan x क्योंकि sec का और 1 का जाएगा 0 डिवाइडेड बाय sec x प्लस 1 का स्क्वायर, sec x प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा अब यहां पे sec x tan x कॉमन हो जाएगा, तो sec x इंटू tan x कॉमन हो जाएगा दोनों में से, यहां पे बचेगा sec x प्लस का वन माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो sec x प्लस का वन डिवाइडेड बाय sec x प्लस वन का स्क्वायर, देखो sec sec कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस वन कितना जाएगा टू, तो जो टू sec x इनटू tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस वन का स्क्वायर ठीक है। क्वेश्चन नंबर सर सिंपल समझ आता है, आगे सॉल्व करना नहीं करना ये कैसे पता चलेगा, यहाँ तो बस इसका सॉल्व हुआ ही नहीं कुछ है, यहाँ पे इसका कुछ कर ही नहीं सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना बस हमेशा, जब भी हम आंसर छोड़ते हैं आंसर किस में छोड़ते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब उससे ज्यादा और सिंपल हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसका भी फॉर्मूला करेंगे बोलेंगे तो क्या sec स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस टू sec x ठीक ना, तो sec स्क्वायर वन फिर उसमें कुछ नहीं होगा sec स्क्वायर एक्स प्लस वन, क्योंकि अगर टेन स्क्वायर प्लस वन हो तो उसको sec स्क्वायर ले सकते थे ठीक ना, तो इसके आगे सिंपलेस्ट इसका फॉर्म हो ही नहीं सकता है, इसलिए इन्हें छोड़ देंगे इसको। देखो नेक्स्ट है 19 नंबर साइन की पावर एन वाई बराबर साइन की पावर एन एक्स, अरे बड़ा आसान ठीक, डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स देंगे सापेक्ष करेंगे डी अपॉन हां एक्स के सापेक्ष डी अपॉन डी एक्स साइन की पावर एन एक्स, तो इसका अपकरण हो जाएगा पावर है के पावर एक माइनस, तो साइन एन माइनस वन एक्स ठीक। अच्छा इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स
फिर साइन एक्स से क्या करेंगे अब कर देंगे पहले पावर टर्म्स का डिफरेंशिएट फिर फंक्शन का डिफरेंशिएट ठीक एन साइन की पावर एन माइनस वन एन माइनस वन इंटू एक्स साइन पे जाएगा कॉस एक्स छोड़ दो इधर खत्म और कुछ कुछ नहीं कर सकते नहीं होते ही नहीं इसमें कुछ सिंपलीफाई देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 ए प्लस बी साइन एक्स अपन सी प्लस डी कॉस एक्स वाई बराबर ए प्लस बी ए प्लस बी बी साइन एक्स अपॉन क्या सी प्लस डी कॉस एक्स सी प्लस डी कॉस एक्स देखो इसका भी अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाय सी प्लस डी कॉस एक्स सी प्लस डी कॉस एक्स देखो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही कॉस सी प्लस डी कॉस एक्स ऐसे ही ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन ए प्लस बी साइन एक्स ठीक ना माइनस ए प्लस बी साइन एक्स ऐसे ही नीचे वाले फंक्शन का अवकलन डी अपॉन डी एक्स देखो जब तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा ना तो डायरेक्ट डायरेक्ट करोगे ठीक ना उतना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें ठीक है डायरेक्ट डायरेक्ट करने का मतलब है जैसे हमने स्टेप लिखा है ना ये वाला स्टेप लिखा है तो हम ये वाला स्टेप लिखेंगे ना हम डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएट करके लिख देंगे ठीक है मतलब वाले को नीचे वाले को जो जो डिफरेंशिएट होगा डायरेक्ट डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिख देंगे देखो ये सी प्लस डी कॉस एक्स तो ए का जीरो जगह बी कॉस बी साइन एक्स का क्या जगह बी कॉस एक्स ठीक माइनस का ए प्लस बी साइन एक्स और इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा डी साइन एक्स माइनस का क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएट क्या है माइनस ऑफ साइन एक्स ये माइनस का डी साइन एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय ठीक ना क्या जाएगा सी प्लस डी कॉस एक्स देखो किस फॉर्मेट में यहां तक छोड़ रखा है सॉल्व कर रखा है देख लो एक बार तो इसका तो मल्टीप्लाई कर देना सी बी कॉस एक्स प्लस बी डी कॉस स्क्वायर एक्स इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो देखो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस तो ए डी साइन एक्स प्लस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये साइन स्क्वायर तो ये बी डी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय क्या सी प्लस डी कॉस एक्स का स्क्वायर होगा ना अच्छा देखो यहाँ पे बी डी ये भी बी डी है कॉमन आएगा कॉमन ले लोगे तो क्या सी बी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स बी साइन एक्स ना अच्छा बी डी को माना जाए तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पर एक्स कितना जाएगा वन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वन तो क्या जाएगा बी डी इंटू वन तो क्या बचेगा बी इंटू डी बचेगा डिवाइडेड बाय सी प्लस डी कॉस एक्स का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ना तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह रखेंगे वन तो ये पूरा टर्म हमारे क्या जाएगा वन हो जाएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा बी टू दिया जाएगा तो यही तक हमारा आंसर इतने देर रखा ना सर बस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 जो वाई बराबर है साइन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इसमें हम सिंपल हम एक तो हम क्या कर सकते हैं इसमें डिवाइडर भी यूज कर सकते हैं दूसरा हम सिंपली हम इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं कैसे यहाँ पे साइन एक्स प्लस ए का फॉर्मूला रख देते हैं तो साइन एक्स इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस देखो कॉस एक्स इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय क्या जाएगा कॉस एक्स देखो इसको क्या लिख सकते साइन एक्स इंटू कॉस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा ये जो टेन एक्स इंटू कॉस ए प्लस साइन ये सिंपल कर लिया ना इसको अब इसको अपकरण कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखो क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स देखो साइन ही कॉन्स्टेंट है अपकरण जीरो होगा कॉस ए कॉन्स्टेंट है
फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, तो कॉस ए हमारा सेम ऐसे रहेगा, कॉस ए ऐसे रहेगा, साइन प्लस जीरो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है sec x, क्या जाएगा sec x, इसको लिख सकते हैं cos a अपॉन cos x, पता नहीं। फिर दसा क्वेश्चन है, फिर दसा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 सी तो बात है ना सर, कर डालिए पार्टी तो मच्छी है। तो भाई बराबर x की पावर 4 5 साइन x माइनस 3 सबके लिए दो वाले साथ ना, 5 साइन x माइनस 3 कॉस x। देखो सर इसके बारे में करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx। देखो x की पावर 4 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, नीचे वाले कॉस ए बटे कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर ये कॉस ए बटे कॉस स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, सही ये सेक स्क्वायर होता है ना टेन का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल होगा डी अपॉन डी एक्स 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक ना, प्लस तो ये वाला फंक्शन ऐसे रहेगा 5 साइन एक्स माइनस का 3 कॉस एक्स, डिफरेंशियल होगा डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4 का, इसका एक्स की पावर 4 का, चलो बहुत बढ़िया। देखो एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 साइन का अपकलन क्या कॉस, तो 5 कॉस एक्स, अच्छा कॉस का अपकलन क्या साइन, तो माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस, देखो इसका अपकलन क्या जाएगा 4 साइन की पावर सॉरी 4 एक्स की पावर 3 फोर एक्स की पावर 3 5 साइन एक्स 5, आंसर देखो जरा सके 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, इस फॉर्मेट में देखा कॉमन ले रखा है, कॉमन ले रखा ना हाँ कॉमन ले रहे, एक्स की पावर 3 इन दोनों में से कॉमन रह जाएगा, एक्स बच के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो 5x cos x प्लस 3x sin x, 4 बचेगा 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 20 साइन एक्स माइनस 12 कॉस एक्स, एक लाइन और लिख दो बस, कॉस कॉमन ले लो तो कॉस एक्स, तो 5x माइनस का 12 इन दोनों में से साइन एक्स कॉमन आएगा, तो साइन एक्स ठीक है जाएगा 3x प्लस 20, ठीक है सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स, ठीक है इसका अपन करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल है डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ कॉस एक्स, बात नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स, देखो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ प्रोडक्ट रूल कॉस एक्स ऐसे ही अपकलन जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशियल होगा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का, देखो एक्स स्क्वायर का अपकलन जाएगा 2 एक्स कॉस एक्स, 1 का जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका अपकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, फर्स्ट का अपकलन क्या था माइनस का साइन एक्स, दो 2 एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या थोड़ा कुछ नहीं करता मैं,